आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए रास्ते में लोगों को गुलाब का फूल देकर समझाया गया कि वे सख्ती से नियमों का पालन करें। इस प्रयास से लोगों में पुलिस के प्रति एक सम्मानजनक मनोवृत्ति भी पैदा हुई, जिससे लोगों को इस बात को खुद समझे हैं कि टू व्हीलर पर हेलमेट जरूर पहने और कार में भी सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए हम खुद अपनी समझदारी से काम लें। इस प्रकार का सराहनीय प्रयास अहमदाबाद के पोश इलाके शाही बाग में डिवीजन पुलिस द्वारा किया गया। अहमदाबाद में लोग ट्रैफिक का पालन करें, हेलमेट पहने और अभी कोरोना के इस कालखंड में मास्क भी पहने, ये जरूरी है। उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई गई है और एक दंड की भी प्रक्रिया रखी गई है। लेकिन अहमदाबाद पुलिस की यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रेम भाव वाली प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पे पुलिस लोगों को गुलाब दे करके लोगों को ये प्रेम भाव से समझा रही है कि नियमों का पालन करें और हेलमेट भी पहने। इन्होंने तो हेलमेट पहना ही हुआ है, लेकिन आपको पुलिस का प्रयास किस नज़र से देखते हैं? उन्होंने हमें ये जो फूल दिया, हमारी सलामती के लिए उन्होंने ये सब किया है, ठीक है, और हमारे भी फर्ज बनता है कि हम ये सब करें उनको। आपने कभी देखा कि पुलिस का ऐसा प्रयास रहा हो जहाँ गुलाब दे करके आपको समझाया जाए? नहीं, ये नहीं बोलेंगे हम। यहाँ पे पुलिस कर्मी से बात करेंगे, एएसआई अधिकारी देसाई सर, सर अब इस प्रकार से जो कर रहे हैं गुलाब देख करके लोगों को समझा रहे हैं कि लोग कानून का पालन करें, नियमों का पालन करें, आपका प्रयास देख करके लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अत्यारे हाल तारीख 17/18/2021 थी तारीख 17/2021 सुधी ट्राफिक अकस्मात मार्ग मास्क अभियान सलामती माटे जे सरकारे योजना करेली छे, તે ટ્રાફિક પોલીસ દરેક નાગરિકોને રોકી જે લોકો નિયમનું પાલન કરે છે, જેમ કે હેલ્મેટ પહેરે છે, તો તેવા લોકોને સન્માન કરી તેમને સારી રીતે રહી શકે અને અકસ્માત ના થાય તે માટે તેઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે। તો इनका कहना है कि लोगों को प्रोत्साहित करने का एक कार्य है ताकि लोग कानून के प्रति और नियमों के प्रति सजग रहे और कानून का कड़े से अपने आप खुद समझ के अपनी जवाबदेही समझे और खुद पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। क्योंकि आमतौर पे पुलिस की छवि रही है कि आम जनता में और पुलिस यानी मतलब तू मैं डंडा, इस प्रकार की प्रक्रिया लोगों के मन में एक पहले से छवि बनी हुई है ताकि लोग पुलिस के नाम से डरते और खौफ खाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस का जिस तरह से प्रयास है कि लोगों को गुलाब दे करके समझाना कि कानून की प्रक्रिया का पालन हो और लोग खुद अपने आप ये समझे कि नहीं, पुलिस जो कह रही है वो हमारे भले के लिए ही कह रही है। पुलिस का यह प्रयास है कि गुलाब दे करके लोगों को समझाया जाए ताकि लोग कानून का पालन करें, नियमों का पालन करें। सर बताइए, पुलिस ने गुलाब दिया है आपको ताकि आप कानून का पालन करें और आपके मन में भी पुलिस के प्रति एक अच्छी एक इच्छा जाहिर हो, आप इस प्रयास को किस तरह से देखते हैं? नहीं, अच्छा है, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू, वेरी नाइस। मैडम आपने कभी देखा है कि पुलिस ने इस तरह से कभी प्रयास किया हो गुलाब देकर के लोगों को समझाया गया हो? मैंने तो नहीं देखा। आपको लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। तो लोगों का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है ताकि लोग ये खुद समझे और पुलिस के प्रति भी एक लोगों की अच्छी छवि बने ताकि जो पुलिस की और पब्लिक की जो तूतू में होती है वो कम हो और पुलिस के प्रति लोगों का मान सम्मान और भी बढ़े और सभी शहरों की पुलिस को ये प्रयास अपनाना चाहिए ताकि लोग नियमों का पालन करें और अच्छे तरीके से पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। कैमरामैन विपुल मोलालिया के साथ रिपोर्टर मितेश परमार, नेशनल लाइव न्यूज़ अहमदाबाद।